अमेठी जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी के निर्देश में मुखबिर की सूचना पर संग्रामपुर मोड़ के पास सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट लगी स्कॉर्पियो को कोतवाली पुलिस और स्वॉट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से रोकने का प्रयास किया गया। तभी स्कॉर्पियो सवार अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर कर दी। हालांकि फायरिंग में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए स्कॉर्पियो सवार दोनों शातिर बदमाशों को एक अदद पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के ऊपर अमेठी और संग्रामपुर थाने में गैंगस्टर पॉक्सो और SC/ST एक्ट सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दिनांक 24/1/2023 को कस्बा अमेठी में दिन दहाड़े मारपीट और फायरिंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। अगले दिन एक अभियुक्त को अरेस्ट करके पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। इसमें दो वांछित अभियुक्त सूरज सोनी व सुमन गुप्ता, इन दोनों को आज SOG और अमेठी पुलिस द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी, पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों पकड़े गए अभियुक्त काफी शातिर हैं और इनके विरुद्ध पूर्व से ही काफी अभियुक्त पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार के बाद अग्रिम बैठक कार्रवाई की जा रही है।